हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बायोलॉजी इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर आपने बायोलॉजी की विभिन्न ब्रांचों के बारे में पढ़ा था, जैसे साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर टू, सेल एंड सेल साइकिल। सेल साइकिल कोशिका एवं कोशिका चक्र, कोशिका एवं कोशिका चक्र। डियर स्टूडेंट्स, छोटी क्लासों से ही आप लोग सेल के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर मैं आपको ब्रीफली नॉलेज दूंगा सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कोशिका तथा कोशिका के अंगों का अध्ययन किया जाता है, उसे साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कोशिका और कोशिका के अंगों का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। फिर बात आएगी कोशिका की खोज के बारे में। तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और किसमें की थी? कॉर्क सेल के अंदर। कॉर्क सेल्स को इन्होंने देखा था। कॉर्क एक पदार्थ होता है जो पौधों की छाल से प्राप्त होता है। इस पदार्थ के अंदर इन्होंने कुछ प्रकोष्ठ या कोष्ठों जैसी संरचनाओं को देखा, कुछ प्रकोष्ठों को देखा, और इन प्रकोष्ठों को सेल या कोशिका कहा। सेल या कोशिका लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल्स के अंदर कुछ प्रकोष्ठों को देखा, जिन्हें इन्होंने सेल या कोशिका कहा। सेल लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। अब हम बात करेंगे 1674 के अंदर, 1674 के अंदर ल्यूवेनहॉक, पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। किसको देखा? जीवित कोशिका को देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। नेक्स्ट बात करेंगे हम 1839 के अंदर, कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, एक लिक्विड पदार्थ भरा होता है कोशिका के अंदर, जिसे जे ई पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया। क्या नाम दिया? जीव द्रव्य नाम दिया। और नेक्स्ट हम बात करेंगे 1838 एवं 1839 के अंदर स्लाइडन एवं स्वान, ये दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने, स्लाइडन वनस्पति वैज्ञानिक हैं जबकि स्वान जंतु वैज्ञानिक हैं, इन दोनों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया? कोशिका सिद्धांत का। अभी हम कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। कोशिका सिद्धांत क्या है? स्लाइडन और स्वान ने बताया कि कोई भी जीव है उसका शरीर कोशिका या कोशिका के समूह से मिलकर बना होता है, या कोशिकाओं का बना होता है, और कोशिका शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। दोबारा बताता हूँ, 1838 और 1839 के अंदर स्लाइडन एवं स्वान ने बताया कि जीवों का शरीर या सजीवों का शरीर कोशिका तथा कोशिका के समूह से मिलकर के बना होता है, और कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं।
लेकिन स्लाइडन और स्वान ये नहीं बता पाए कि जो नई कोशिका है, जो न्यू सेल है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसी के दौरान 1855 में रुडोल्फ विर्चो, वैज्ञानिक का नाम है रुडोल्फ विर्चो, ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी। और इन्होंने बताया कि जो नई कोशिका हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती हैं। किससे बनती हैं? पूर्ववर्ती। द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। इसे आधुनिक सिद्धांत कहा गया, डियर स्टूडेंट्स। और इन्होंने कई चीज़ें बताईं, जैसे सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो नई कोशिका है उसकी उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, जो स्लाइडन एवं स्वान नहीं बता पाए थे। दूसरी चीज़ इन्होंने बताई कि कोशिका ही शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरी इन्होंने बताई कि सजीव की समस्त जैविक क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती हैं। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कंप्लीट इन द सेल। और चौथी चीज़ इन्होंने बताई कि जो आनुवंशिक सूचनाएं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के अंदर, इट मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, कोशिका के द्वारा ही जाती हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही आधुनिक कोशिका सिद्धांत नाम दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई और उसके बाद सेल के या कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिली। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन या नॉलेज रिलेटेड टू सेल या कोशिका। तो सबसे पहले द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गन इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका तथा कोशिका के अंगों का अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान कहलाती है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क कोशिकाओं को सबसे पहले देखा और एक प्रकोष्ठ के रूप में देखा, जिसे हम सेल कहा, जो लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। 1674 के अंदर लुवेन हॉक ने जीवित कोशिकाओं को देखा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। 1839 के अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है कोशिका के अंदर, जिसे जे ई पुरकिंजे ने जीवद्रव्य नाम दिया। 1838 और 1839 के अंदर स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्लाइडन वनस्पति वैज्ञानिक हैं, स्वान जंतु वैज्ञानिक हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। इसी दौरान 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इन्होंने बताया कि जो नई सेल होती हैं या नई कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, और कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अंदर ही समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, और कोशिका के द्वारा ही सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। इसे आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहा गया। और 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, जिसके माध्यम से कोशिका और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों की खोज हुई, और उनके बारे में विस्तृत जानकारी या उनकी संरचना के बारे में विस्तृत नॉलेज हमें प्राप्त हुई। बेटा नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका की। इसकी बात करेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका की। इसके लिए मैं प्लांट सेल या पादप कोशिका का डायग्राम बनाऊंगा, और उसी के कंपैरिजन से हम दोनों में अंतर देखेंगे। एक बार मैं यहाँ बनाऊंगा, इधर अपन अंतर लर्न करेंगे, जो हमेशा आपको याद रहेंगे वो बड़े टेक्निकल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करूंगा उनको। इधर देखें, सबसे महत्वपूर्ण अंतर, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो आप बताएंगे जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर कोशिका भित्ति होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इस तरह से हम एक सेल बनाएंगे, ये एक सेल बनाई है मैंने, इसके अंदर सबसे ऊपर जो दिख रही है इसे कहूँगा मैं कोशिका भित्ति, और इसके नीचे ये है कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में इसको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं?
सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, बीच में या बीच से थोड़ा सा हट करके इस तरह से इसमें एक गोलाकार संरचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक दोहरी झिल्ली या डबल मेम्ब्रेन वाला कोशिकांग है, यानी इसके ऊपर दो झिल्लियां पाई जाती हैं इस तरह से। इसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को हम गुणसूत्र कहते हैं, जो लिक्विड पदार्थ है उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक के जैसी ही संरचना इसके अंदर होती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। तो अब ये क्या बनाया है मैंने, ये है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ केंद्रक द्रव्य, और ये अंतः प्रद्रवी जालिका। अगर इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है तो ये चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका है, अगर इसके ऊपर राइबोसोम होते जैसे ये तो ये खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका होती। इसके अंदर ये केंद्रक के जैसी संरचना केंद्रिका, धागे के जैसी संरचना गुणसूत्र कहलाती है। अभी बात करेंगे इसके अंदर बड़े बड़े अवकाश होते हैं इस तरह से, जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका। और रिक्तिका के ऊपर पाए जाने वाले झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाएं भी इसके अंदर होती हैं। ये राइबोसोम, इसके अंदर लिपिड पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इस तरह से एक प्लांट सेल का डायग्राम बनाया है मैंने। एक इम्पॉर्टेंट चीज, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जो विशेषता भी होती है पादप कोशिका की, क्योंकि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो बेटा ये डायग्राम बनाया है मैंने, शायद आपको समझ में आया होगा। सबसे बाहर कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्रक द्रव्य, अंतःप्रद्रवी जालिका, अगर राइबोसोम नहीं है तो चिकनी, अगर हैं तो खुरदरी, केंद्रिका, गुणसूत्र, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, टोनोप्लास्ट, गोल्जिकाए, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, आरएनए भी होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इधर पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। अभी हम पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। सारे करेक्टर्स में इस डायग्राम से फॉलो करूंगा, डायग्राम से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं कोशिका भित्ति की, आपको भी लर्न हो जाएंगे हैंड टू हैंड। कोशिका भित्ति यहां लिख देते हैं, यहां तक दिखाई दे रहा है आपको। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में, ये पादप कोशिका में प्रेजेंट होती है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। तो पहला करेक्टर हमने पढ़ा है कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। दूसरा पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में है तो प्रेजेंट, जंतु कोशिका में नहीं होता तो एब्सेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बड़ी बड़ी या रिक्तिका। रिक्तिका पादप कोशिका में बड़ी होती हैं और जंतु कोशिका में छोटी होती हैं या अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट अंतर। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जिसको हम तारक काय कहते हैं, कुछ कवक और शैवाल को छोड़कर बाकी सारे प्लांट्स कोशिकाओं के अंदर, पादप कोशिकाओं के अंदर अनुपस्थित होता है सेंट्रोसोम, और जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम कुछ कवकों को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, जबकि ये सभी जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
कोशिका विभाजन की। तो कोशिका विभाजन का मतलब है एक कोशिका से दो कोशिकाओं का बनना। पादप कोशिकाएं कोशिका पट के द्वारा विभाजित होती हैं और जंतु कोशिका कोशिका खांच के द्वारा विभाजित होती हैं। इसको आप समझ नहीं पा रहे होंगे, जैसे ये एक कोशिका है, ये अगर पादप कोशिका है तो इस तरह से विभाजन होगा इसका, यानी इसमें एक पट बनेगा बीच में जिससे कोशिका दो भागों में बढ़ जाएगी। अगर ये जंतु कोशिका होती तो इसके अंदर परिधि से केंद्र की ओर, इधर ये परिधि है इसकी, ये परिधि से केंद्र की ओर एक खांच बनेगी जिसे हम कोशिका खांच कहते हैं, और उसके बाद ये दो कोशिकाओं में बटेगी, ये पट के द्वारा बटेगी। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कोशिका पट के द्वारा होता है और जंतु कोशिकाओं में कोशिका खांच के द्वारा होता है। लास्ट अगर हम बात करें संचित भोज्य पदार्थ, संचित भोज्य पदार्थ यानी किसके रूप में होता है, तो जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें सेल्यूलोज एवं स्टार्च, स्टार्च के रूप में और सेल्यूलोज के रूप में होता है, और जंतु कोशिकाओं में ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संचित भोज्य पदार्थ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे अंतर मैंने आपको क्लियर किए हैं, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं इन अंतर को, आपको समझ में आएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति प्रेजेंट, जंतु कोशिका में अनुपस्थित एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में उपस्थित, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित। रिक्तिका पादप कोशिकाओं में बड़ी बड़ी, जंतु कोशिकाओं में छोटी। सेंट्रोसोम कवक या शैवाल को छोड़कर अनुपस्थित, और तारका या सेंट्रोसोम जंतु कोशिकाओं में उपस्थित। लाइसोसोम कुछ कवक को छोड़कर के अनुपस्थित और जंतु कोशिकाओं में उपस्थित। कोशिका विभाजन पादप कोशिकाओं में कोशिका पट के द्वारा और जंतु कोशिकाओं में कोशिका खांच के द्वारा। और संचित भोज्य पदार्थ पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज और स्टार्च के रूप में और जंतु कोशिकाओं में ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है जिसके अंदर आपने कोशिका के बारे में पढ़ा है, कोशिका की खोज, केंद्रक की खोज, जीव द्रव्य की खोज, कोशिका सिद्धांत की खोज, आधुनिक कोशिका सिद्धांत की खोज, सूक्ष्मदर्शी की खोज, और पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका चक्र, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप लोग इन टॉपिक्स को क्लियर करें और लर्न करें। थैंक यू सो मच।